बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से झारखंड के संथाल के जिलों की हालत दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। कुछ जिलों में हालात इतने खराब हैं कि हिंदुओं का रहना मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो तारानगर पाकुड़ का है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पथराव हो गया, घर में तोड़फोड़ की गई, मगर पाकुड़ के लिए तो ये रोजमर्रा की बात है। खबर है कि आम हिंदू इज्जत बचा रहा है या पुश्तैनी संपत्ति बेचकर दूसरी जगह भाग रहा है। अभी हाल ही में पाकुड़ में बंगाल से मुसलमानों की भीड़ घुस आई थी। झारखंड में घुसकर हिंदुओं और आदिवासियों को जमकर मारा पीटा गया। गौरतलब है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। उसके मुताबिक अगर पाकुड़, साहिबगंज आदि कुछ जगहों पर 123% वोटर बढ़ा है तो निश्चित है कि लोग कहीं से आकर बसे हैं। कौन हैं ये लोग जो आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत भी लूट रहे हैं, बिन ब्याहे माँ भी बना रहे हैं, जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं, लेकिन बाहरी भगाओ और आदिवासियत बचाओ का नारा देने वाली राज्य की सरकार बोल भी नहीं पा रही है। दूसरी तरफ झारखंड उच्च न्यायालय ने हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगाई, क्योंकि बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों से संथाल परगना की सामाजिक जनसंख्या प्रभावित होने के मामले में पुलिस उपायुक्त ने स्वयं हलफनामा दायर नहीं किया। अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए नए सिरे से दाखिल करने का आदेश दिया है। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़े।